हमारी एपिसोड की शुरुआत में कोनी अपने विलेज पहुंच चुका होता है और कोनी के साथ रायना और बेरिटोल भी आए होते हैं। तभी रायना कोनी के पास आके कहता है, कोनी क्या तुम्हें कोई सर्वाइवर मिले? तो तुरंत से कोनी रोने लग जाता है और वो रोते हुए कहता है, नहीं, मेरा पूरा विलेज तबाह हो गया है। और ये सुनते ही रायना को बहुत बुरा लगता है, जबकि बेरिटोल बस देखता रह जाता। तभी वहाँ पे जर्जर के साथ एक सैनिक आती है और आते ही जर्जर कहने लगता है, कुछ गड़बड़ है यहाँ पे, क्या तुम लोगों को बॉडीज मिली है? जिस पर वो दोनों इनकार करते थे। तो जर्जर कहता है, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? जर्जर के साथ वाली सैनिक कहती है, मेरे ख्याल में तुम्हारी फैमिली समेत सारे विलेजर्स यहाँ से भाग गए होंगे, क्योंकि यही एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है। ये सुनते ही कोनी को थोड़ी तसल्ली होती है और उसकी जान में जान आ जाती है। तभी जर्जर दिली दिल में अपने आप से कहने लग जाता है, मुझे तो नहीं लगता मैं इसकी हाँ में हाँ मिला सकता हूँ। आखिर टाइटन क्यों खाली घरों में अटैक करेंगे, और बिना गौरव के वो अगर जाए भी तो कितना दूर जा सकते हैं। जिसके बाद जर्जर उन्हें आगे बढ़ने का ऑर्डर देता है और वो मजीद बोलता है, हमारा मिशन है दीवार में सुराख ढूंढना। और जैसे ही कोनी अपने घोड़े पे सवार होता है तो तभी उसे पीछे से एक आवाज आती है, वेलकम होम। ये सुनते ही इसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, जिस पर कोनी ये बता ना सकता कि वो इसका वहम था या फिर हकीकत। तभी रायना उसे जगाते हुए उसके सेंसेस में ले आता है और उसे कहता है, हम पीछे रह गए हैं। जिस पर कोनी उसे कहता है, क्या तुमने वो सुना? तो रायना कहता है, वो सिर्फ तुम्हारा वहम था। पर तभी कोनी इसे कन्विंस करने की काफी कोशिश करता है, जिस पर कोनी कहने लगता है, पर मुझे ऐसा क्यों लगा कि वो मेरी अम्मी? वो ये बोल रही होता है कि रायना चीख मार के कहने लगता है, क्या तुम्हें पता है हमारी सिचुएशन काफी सीरियस है? अगर हम ऐसी ही लापरवाही दिखा देंगे तो 100 से 1000 लोग तो वैसे मर जाएंगे। अगर तुम्हारी फैमिली भाग भी गई है तो इसका ये मतलब नहीं वो खतरे से बाहर है। ये सुनने के बाद कोनी अपने मिशन की तरफ वापस फोकस कर पाता, जिसके बाद सारे सैनिक अपने घोड़ों पर सवार होके अपने मिशन की तरफ बढ़े होते हैं। जिस पर जर्जर कहता है, जैसे जैसे हम दीवार के करीब पहुंच जाएंगे उतने लोग कम होते जाएंगे। तभी नानाबाग कहती है, चलो साउथ की तरफ बढ़ते हैं। ये सुनते ही अमिर कहने लगती है, साउथ की तरफ क्यों बढ़े जबकि वहाँ पे कोई विलेजर्स भी नहीं? फिर नानाबाग कहने लगती है, हमने सबको खबरदार कर दिया, बस अभी हमने सुराख ढूंढना है कि आखिर ये टाइटन आ रहे कहाँ से हैं। हमारा मिशन यही है कि हमने साउथ से वेस्ट तक दीवारों के चक्कर लगाने हैं। ये सुनते ही अमिर कहने लगती है, तुम्हें तो पता है हिस्टोरी और मैं ने बैटल गियर नहीं पहने हुए और साउथ तो टाइटनों से भरा होगा, तो फिलहाल हमें फ्रंट लाइन से पीछे हटने दो। लेकिन नानाबा इनकार करके कहने लग जाती है, मैसेज आकर हेडक्वार्टर तक पहुंचाने के लिए मुझे किसी बंदे की जरूरत है। ये सब सुनने के बाद हिस्टोरिया यमिर से कहने लगती है, मैंने अपनी मर्जी से स्काउट ज्वाइन किया, ना कि मुझे किसी ने फोर्स किया, और ये जिंदगी मैंने अपने लिए खुद चूज की है। पर तुमने अपने लिए स्काउट नहीं ज्वाइन किया। ये सुनते यमिर को गुस्सा आ जाता है और वो कहने लगती है, तुम्हें क्या लगता है ये सब मुसीबतें क्या मैं तुम्हारे लिए जेल ली हूँ? तो तुम बिल्कुल गलत हो। जिसके जवाब में स्टोरिया एक अफसुर्दा सा चेहरा बना के कहती है, तो आखिर और वजह क्या है? और मैं मिलिट्री यहाँ तक टॉप 10 में भी तुम्हारी वजह से ही आई हूँ, अब इससे भी मुकरना जाना, यकीन ना आए तो किसी से भी पूछ लेना। और अगर स्किल की बात करें, स्किल में तो मैं तुमसे बहुत बहुत दूर हूँ। और ये सब सुनने के बाद यमें भी कुछ ना कह पाती, जिसके बाद हिस्टोरिया नजरें झुका के कहती है, मेरी फैमिली क्या यही वजह है ना? तो यमिर कहती है, रिलैक्स, इन बातों की ज्यादा फिक्र मत करो और ये सब कुछ मैं अपने लिए ही कर ली हूँ। ये सुनने के बाद हिस्टोरिया को काफी खुशी होती है और तभी हमें दूसरी ओर दिखाया जाता है, जिसमें गैरिसन रेजिमेंट और स्काउट रेजिमेंट मिलकर टाइटन के खिलाफ टीम वर्क कर रहे होते हैं। जिसके बाद इसी तरह सुराख को ढूंढते अंधेरा होता जा रहा होता है और हर किसी के दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा होता है, जिसके बाद इतना अंधेरा छा जाता है कि कुछ दिख रहा भी नहीं होता और सारे बहुत डरे और परेशान होते हैं और ये सारे लोग हर तरफ टाइटन ही एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। फिर चलते चलते वो नानाबा के ग्रुप से मिलते हैं और इन्हें भी सुराख के बारे में कुछ नहीं मिला होता और ये सुन के सारे लोगों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि आखिर किसी को नहीं पता कि टाइटन आ रहे कहाँ से है और उनकी घोड़ों की हिम्मत भी जवाब दे चुकी होती है। तभी बादलों से गिरा हुआ चांद बाहर आ जाता है, जिस रोशनी की वजह से उन्हें एक पुराना सा कैसल मिलता है और वो फैसला करते हैं कि वो रात इसी कैसल में गुजारेंगे। तभी सीन शिफ्ट होता है और हांजी एक पत्थर को कब से देख रही होती है, जिसपे लिवाई कहता है,
तुम क्या कब से एक पत्थर का गोल लिए हो? तो हांजी कहती है, ये कोई पत्थर नहीं है, ये फीमेल टाइटन की एक हार्ड स्किन है। तो आमिर कहता है, क्या ये बाकी जिस्म की तरह गायब नहीं हुई? तो हांजी कहती है, नहीं, ये तब भी था जब एनी वापस इंसान में तब्दील भी हो गई। तो मुझे रिसर्च करके पता चला कि ये दीवार जैसा ही है। अगर जो मैं सोच रही हूँ सच है तो दीवारें टाइटन की हार्ड स्किन से ही बनाई गई है। तो तभी मिकासा कहती है, ये तो आर्मिन भी कहना चाह रहा था। तभी हांजी कहती है, सोचो जरा सोचो, अगर एरन अपनी हार्डनिंग एबिलिटी का इस्तेमाल करके दीवार को सील कर दे, जिसके बाद आर्मिन कहने लगता है, अगर हम वारोस को सील कर दे तो वालमारिया और भी महफूज हो जाएगी, पर इस पे काफी टाइम लगेगा, वक्त भी रिसोर्सेस पर जानी होगी और भी काफी मुश्किलात आएगी। पर मैं सिर्फ यही कहूंगा कि हमें अपना ऑपरेशन रात के टाइम करना चाहिए, जिस वक्त टाइटन काफी कमजोर हो जाते हैं। पर पूरा प्लान एरन पे ही है, अगर वो ये कर सकता है। जिस पर हांजी कहती है कि मुझे पूछते हुए भी बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन क्या तुम कर सकते हो एरन? तो लिवाई कहता है, इसके सोचने की बात नहीं है, क्या तुम कर सकते हो या नहीं, हमारे साथी बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो एरन कहता है, मुझे पता है सर मुझे क्या करना है और मैं तैयार हूँ इसके लिए। तभी वो अपने गले की बंदी चाबी निकाल के कहता है, मेरे अब्बू का तरखाना, वहीं पे सारे जवाब मिलेंगे। जिसके पास स्काउट अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच चुका होता है और तभी पेस्टन एक देखता है जिसपे सब लोगों की शक्लों पे 12 बजे होते हैं और सभी ये विलेज छोड़ के जा रहे होते हैं। और ये देख के पेस्टन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जिसके बाद पेस्टन अंदर आके कहता है, मेरे पास अब कोई चारा नहीं, लेकिन मैं तुम लोगों की मदद करना चाहता हूँ। जिसपे पेस्टन ज्यादा ना बताता, पर वो ये जरूर कहता, लेकिन मैं तुम्हें एक खास बंदे का नाम बता सकता हूँ जो तुम्हारे स्काउट में भी इस वक्त मौजूद है, जिसने स्काउट रेजिमेंट इसी साल ज्वाइन किया है, मतलब कि एरन के साथ। जिस पर हमें नाम नहीं सुनाई देता, मगर वो नाम ले लेता और उसी तरह वहाँ पे साशा आ जाती, 104 कैडेट और इम्पोर्टेंट मैसेज। और वो नाम सुनते ही एरन, मिकासा, आर्मिन बहुत हैरान हो जाते। उसे जरूर ढूंढो, वही हर चीज का हल है। जिस पर हांजी कहती है, अगर वो 104 कैडेटर पे है तो वो तो इस वक्त लड़ रही होगी। तो एरन कहता है, तो फिर हमें जल्दी करनी होगी। तभी एरन साशा के साथ टकरा जाता, जिस पर साशा टकरा के गिर जाती। तो तुरंत ही वो अपना लेटर उठा के दोबारा से सेक्शन कमांडर को दे देती, जिस पर हांजी उसे एक स्वीट पोटैटो दे देती है और ये देख के वो बहुत खुश हो जाती है। जिस पर एरन उस लड़की के बारे में बताने लग जाता है कि वो हमारी क्लास में सबसे छोटी कद वाली थी। जिसके बाद आर्मिन बोलता है, गोल्डन हेयर, ब्लू आईज और वो बहुत क्यूट है, और उस लड़की का नाम हिस्टोरिया होता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और रायना यमिर से कहता है, आखिर तुम इसे पढ़ कैसे सकती हो, क्या तुम? वो ये बोल रही होता है कि एकदम से उन पे टाइटन का हमला हो जाता है। जिसके बाद सारे लोग टावर के ऊपर आ जाते हैं और हर तरफ टाइटन ही टाइटन होते हैं। जिस पर चर्चर कहता है, आखिर रात के वक्त ये कैसे हिल रहे हैं? तभी कोनी बीच टाइटन की तरफ इशारा करते हुए कहता है, आखिर ये क्या चीज है, आखिर देखो इसे, ये तो एक बीस्ट है। इस टाइटन को देख के सबके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, लेकिन इतनी भी नहीं जितने के पैरेटोल और रायना की। जिसपे कोनी कहता है, ये तो दीवार की तरफ बढ़ा है। तभी एक टाइटन आके कैसा को जोर से टक्कर देता, जबकि स्काउट रेजिमेंट एक ताजा नया प्लान बना रहा होता है। फिर लिवाई कहने लगता है कि हम अपने अलहदा अलहदा रास्तों में जा रहे हैं, एरविन ने स्क्वाड को इकट्ठा किया, इसकी जरूर कोई वजह है, पर फिलहाल सब कुछ तुम लोगों पे है। आर्मिन और हांजी, तुम दोनों सिचुएशन के लिहाज से कोई अच्छा प्लान बनाओगे। मिकासा, मुझे तो नहीं पता तुम इसके साथ क्यों चिपकी रहती हो, पर अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके एरन को महफूज रखना। और वो एरन से कहता है, इस मिशन को फेल मत करना। जबकि दूसरी तरफ कुछ टाइटन अंदर घुसने की और कुछ ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। जिसके बाद जिन्होंने एडीएम गियर पहने होते हैं वो लड़ाई के लिए तैयार हो रहे होते हैं और बाकियों से कहते हैं, जहाँ पे खड़े हो वहीं पे खड़े रहो। जिसके बाद वो टाइटन्स पे टूट पड़ते हैं और आखिरी सीन में सभी स्काउट इसी अबैंडन्ड कैसल की तरफ बढ़ने लग जाते हैं। और यहाँ पे एपिसोड खत्म हो जाती है।